सब्सक्राइब करें मेरा चैनल सुपर टेक्नोलॉजी, लेटेस्ट वीडियोस के लिए बेल आइकॉन दबाएं। वेलकम टू माय चैनल सुपर टेक्नोलॉजी। मेरा नाम मनदीप दुल्ट। दोस्तों, इस वीडियो में हम देखने वाले हैं कि अगर आप टीचर हो, आप जूम ऐप पे क्लास ले रहे हो, आपने एक ही क्लिक में सभी स्टूडेंट्स का कैमरा, माइक्रोफोन एंड स्क्रीन शेयरिंग कैसे स्टॉप करनी है। ये सभी देखने के लिए बने रहे मेरी वीडियो के एंड तक। दोस्तों पहले हम मोबाइल के थ्रू देखेंगे कि इस ऑप्शन को कैसे यूज करना है, उसके बाद हम लैपटॉप के थ्रू देखेंगे इस ऑप्शन को कैसे यूज करना है। लेफ्ट फोन को हम टीचर फोन यूज करेंगे एंड राइट फोन को हम स्टूडेंट फोन यूज करेंगे। दोस्तों होस्ट के पास जूम का लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल होना चाहिए, जैसे यहां पे मैं आपको शो कर रहा हूं। दोस्तों जैसे मैं यहां पे ऐप इन्फो पे क्लिक कर रहा हूं तो मेरे पास यहां पे 5.55615 वर्जन इंस्टॉल्ड है। दोस्तों आपने इस वर्जन को प्ले स्टोर से इंस्टॉल कर लेना है। अगर प्ले स्टोर में लेटेस्ट वर्जन अवेलेबल नहीं है तो आपने क्रोम ब्राउजर ओपन करना है। ब्राउजर को ओपन करने के बाद यहाँ पे आपने राइट करना है जूम डाउनलोड। दोस्तों जैसे आप यहाँ पे सर्च करोगे तो यहाँ पे आपको शो हो जाएगा zoom.us डाउनलोड्स, तो आपने डाउनलोड सेंटर पे क्लिक करना है। जैसे आप डाउनलोड पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगी जूम क्लाइंट फॉर मीटिंग्स कंट्रोलर फॉर जूम रूम्स, तो आपने यहाँ जूम क्लाइंट में सेकंड ऑप्शन को चूज करना है डाउनलोड फॉर जूम। जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करोगे उसी समय आपकी डाउनलोडिंग स्टार्ट हो जाएगी। दोस्तों अगर आपको यहाँ पे डाउनलोडिंग शो नहीं हो रही तो आपने यहाँ थ्री डॉट्स पे क्लिक करना है, उसके बाद आपने डाउनलोड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ पे ये क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे फाइल शो हो जाएगी जो भी आपकी डाउनलोड हो रही है या डाउनलोड हो चुकी है, तो आपने इस फाइल पे क्लिक करना है एंड इंस्टॉलेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी। उसके बाद आपने सेटिंग पे क्लिक करना है, अगर आपको सेटिंग की ऑप्शन शो हो रही है अलाउ फ्रॉम दिस सोर्स पे क्लिक कर देना है, या फिर आपके पास अननोन सोर्स की ऑप्शन आ सकती है तो आपने इसे इनेबल कर देना है। दोस्तों उसके बाद फिर से आपने इंस्टॉल पे क्लिक करना है। जैसे ही आप इंस्टॉल पे क्लिक करोगे तो आपके पास यहाँ पे शो हो जाएगा ऐप इंस्टॉल्ड। दोस्तों फिर से आपने ऐप को ओपन करना है, जैसे ही आपके पास लेटेस्ट वर्जन इंस्टॉल हो जाएगा उसके बाद आपने ऐप ऐप को ओपन करके साइन इन कर लेना है। दोस्तों साइन इन के बाद अभी हम लेफ्ट फोन से एज ए होस्ट एज ए टीचर मीटिंग को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसे अभी यहाँ पे मैं स्टार्टिंग मीटिंग पे क्लिक करके मीटिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों अभी यहाँ पे एज ए होस्ट मेरी मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। अभी हम एज ए स्टूडेंट मीटिंग को ज्वाइन करेंगे, एज ए पार्टिसिपेंट मीटिंग को ज्वाइन करेंगे। दोस्तों अभी यहाँ पे मीटिंग स्टार्ट हो चुकी है। मीटिंग में टू स्टूडेंट्स हैं, स्टूडेंट वन एंड स्टूडेंट टू। अगर अभी टीचर ने सभी स्टूडेंट को म्यूट करना तो टीचर यहाँ म्यूट ऑल पे क्लिक करके सभी स्टूडेंट्स को एक ही क्लिक में म्यूट कर सकता है। जैसे अभी यहाँ पे मैं म्यूट ऑल पे क्लिक करके म्यूट कर रहा हूँ। लेकिन अगर टीचर ने स्टूडेंट्स का कैमरा ऑफ करना है तो टीचर यहाँ पे क्लिक करके स्टूडेंट का कैमरा वन बाय वन ऑफ करेगा। अगर क्लास में 50, 60 या 100 तक स्टूडेंट है तो टीचर के लिए बहुत मुश्किल है वन बाय वन सभी स्टूडेंट्स का कैमरा ऑफ करना। एंड अभी हम सभी स्टूडेंट्स का कैमरा ऑन कर देंगे। जैसे अभी यहाँ पे मैं आस्क टू स्टार्ट पे क्लिक कर रहा हूँ एंड कैमरा स्टार्ट हो जाएगा स्टूडेंट का। दोस्तों अभी सेकंड हम देखें कि अगर सभी स्टूडेंट्स का कैमरा ऑन है, माइक्रोफोन्स भी अनम्यूट है एंड साथ में स्क्रीन शेयरिंग भी चल रही है, तो उसको टीचर ने कैसे कंट्रोल करना है एक ही क्लिक में। दोस्तों अभी हम राइट फोन से शेयरिंग स्टार्ट करेंगे। जैसे यहाँ पे मैं अभी व्हाइट बोर्ड के शेयर कर रहा हूँ एंड सेंटर फोन पे स्टूडेंट का कैमरा एंड माइक्रोफोन ऑन है एंड राइट फोन से स्टूडेंट ने शेयरिंग स्टार्ट कर रखी है। ऐसे यहाँ पे स्टूडेंट्स डिस्टर्बेंस क्रिएट कर रहे हैं क्लास में, तो टीचर ने यहाँ पे इस कंडीशन में कैसे कंट्रोल करना है। दोस्तों टीचर ने यहाँ पे क्लिक करना है मोर पे। जैसे ही टीचर मोर पे क्लिक करेगा तो टीचर के पास यहाँ पर डायरेक्ट अभी ऑप्शन शो हो सकती है, अदरवाइज टीचर ने यहाँ सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। जैसे टीचर सिक्योरिटी पे क्लिक करेगा तो यहाँ पे ऑप्शन आ जाएगी सस्पेंड पार्टिसिपेंट्स एक्टिविटीज। जैसे ही टीचर सस्पेंड पार्टिसिपेंट एक्टिविटीज पे क्लिक करेगा तो थ्री ऑप्शन शो हो जाएंगी सस्पेंड एंड रिपोर्ट, सस्पेंड एंड कैंसल। दोस्तों अगर आप सिर्फ सस्पेंड करना चाहते हो तो आपने यहाँ सस्पेंड पे क्लिक करना है। जैसे ही आप यहाँ सस्पेंड पे क्लिक करोगे तो फिर से कंफर्मेशन आएगी एंड आपने सस्पेंड पे क्लिक कर देना है। दोस्तों अभी यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स का कैमरा, माइक्रोफोन एंड स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो गई है। अभी यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स की एक्टिविटी बंद हो गई है। जैसे अभी यहाँ पार्टिसिपेंट पे हम क्लिक करते हैं, अभी सभी स्टूडेंट्स का कैमरा एंड माइक्रोफोन स्क्रीन शेयरिंग सब कुछ स्टॉप हो चुका है। टीचर का खुद का भी कैमरा ऑफ हो गया है, लेकिन टीचर अपना खुद का कैमरा यहाँ से फिर से ऑन कर सकता है एंड अपना माइक्रोफोन भी ऑन कर सकता है। अगर यहाँ पे स्टूडेंट्स कैमरा ऑन करने की ऑप्शन पे क्लिक करेंगे तो यहाँ पे शो हो जाएगा यू कैन नॉट स्टार्ट यूर वीडियोज बिकॉज द होस्ट हैज डिसेबल्ड इट। अगर यहाँ पे स्टूडेंट माइक्रोफोन को अनम्यूट करने की
कोशिश करेंगे तो यहाँ पे मैसेज शो हो जाएगा द होस्ट इज नॉट अलाउइंग पार्टिसिपेंट टू अनम्यूट देमसेल्फ। दोस्तों ऐसे अगर स्टूडेंट स्क्रीन शेयरिंग करने की कोशिश करेंगे तो स्क्रीन शेयरिंग के पे भी सेम मैसेज शो हो जाएगा द होस्ट डिसेबल अटेंडिस ड्यूरिंग स्क्रीन शेयरिंग। लेकिन इस एक्टिविटी का चैट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, अगर चैट पहले से अनेबल्ड है तो चैट अनेबल्ड ही रहेगी एंड अगर चैट पहले से डिसेबल्ड है तो चैट डिसेबल्ड ही रहेगी। दोस्तों अभी हम देखेंगे कि लैपटॉप के थ्रू इस ऑप्शन को कैसे यूज करना है। लैपटॉप में पहले आपने साइन इन करना है, साइन इन करने के बाद आपके पास यहाँ पे ऑप्शन शो हो जाएगी न्यू मीटिंग ज्वाइन स्केड्यूल शेयर स्क्रीन। जैसे आप अपनी मीटिंग स्टार्ट करते हो लाइक न्यू मीटिंग के थ्रू या फिर आप स्केड्यूल मीटिंग के थ्रू, जैसे अभी यहाँ पे मैं न्यू मीटिंग के थ्रू मीटिंग को स्टार्ट कर रहा हूँ। दोस्तों जैसे आप यहाँ एज ए होस्ट मीटिंग में ज्वाइन कर जाओगे एंड आपके पास स्टूडेंट्स भी ज्वाइन कर जाएंगे क्लास में, उसके बाद अगर आप उस ऑप्शन को यूज करना चाहते हो तो आपने सिक्योरिटी पे क्लिक करना है। सिक्योरिटी पे क्लिक करने के बाद जैसे आप यहाँ सस्पेंड पार्टिसिपेंट एक्टिविटीज पे क्लिक करोगे तो सभी स्टूडेंट्स का कैमरा ऑफ हो जाएगा, माइक्रोफोन ऑफ हो जाएगा एंड स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो जाएगी। आपने यहाँ पे क्लिक करना है कि अगर आप जूम को रिपोर्ट करना चाहते हो तो आपने रिपोर्ट पे क्लिक करना है, अदरवाइज अगर आप सिर्फ सस्पेंड करना चाहते हो टेम्परेरी तो आपने सस्पेंड पे क्लिक कर देना है। दोस्तों जैसे अभी यहाँ पे सस्पेंड पे क्लिक करोगे तो सभी स्टूडेंट्स का माइक्रोफोन कैमरा एंड स्क्रीन शेयरिंग स्टॉप हो जाएगी। दोस्तों यहाँ पे साथ में टीचर का भी माइक्रोफोन एंड कैमरा डिसेबल हो गया, टीचर ने खुद का भी माइक्रोफोन एंड कैमरा को अनेबल कर लेना है। दोस्तों अगर आपकी जूम ऐप या किसी अदर एजुकेशन ऐप के कोई क्वेरी है या कोई सजेशन है तो मेरे वीडियो के कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए, मैं आपके हर कमेंट का रिप्लाई करूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग, प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल फॉर मोर टेक्निकल अपडेट्स।